खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पंचायत समिति के विकास अधिकारी को निलंबित करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच यूनियन का एक सरपंच, 3 सरपंच पति और एक वार्ड पंच सहित 5 लोग शिवबाड़ी क्षेत्र के वाटर वर्क्स के ओवरहेड टैंक पर पिछले 17 घंटों से चढ़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से टैंक पर चढ़े जनप्रतिनिधियों से लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे मांगे पूरी नहीं होने तक नीचे नहीं उतरने का पे अड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधियों के टैंक पर चढ़ने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधियों और नागरिक मौके पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि सरपंच यूनियन की ओर से पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष लंबे समय से वीडियो के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। मंगलवार दोपहर बाद सरपंच यूनियन से जुड़े जानकी दास वाला सरपंच धनराज चौहान, सरदारगढ़ सरपंच पति जसविंदर सिंह, पालीवाला सरपंच पति ओम दुगेसर, 13 SD सरपंच पति महावीर सिंह, ग्राम पंचायत एक केएसआर के वार्ड पंच नेत भट्टी शिवबाड़ी क्षेत्र के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजय, देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का मांग की जा रही है और वीडियो को निलंबित करने की मांग की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सरपंच हैं पिछले 40 दिनों से लगातार विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय के बाहर इन लोगों का धरना 40 दिनों से चल रहा है। कल प्रभारी मंत्री BD कल्ला सूरतगढ़ पहुंचे तो इस दौरान सरपंच यूनियन के इन सरपंचों ने मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा और विकास अधिकारी को निलंबित करने की मांग की, परंतु इस पर कोई कार्रवाई ना होते देख कुछ सरपंच शिवबाड़ी के पास पहुंचे और यहां पर बने वाटर वर्क्स के ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए, जिसकी सूचना मंत्री तक पहुंच गई। और इस दौरान जब मंत्री जी यहां से रवाना हुए, उसके बाद में पूरा जाप्ता और प्रशासन मौके पर पहुंचा, इन लोगों से समझाइश की, परंतु इनकी एक ही मांग है कि पहले सर विकास अधिकारी को निलंबित किया जाए, यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और उसके बाद जो हमारे 10 सूत्री मांगे हैं उनको भी माना जाए। इसको लेकर लगातार 17 घंटों से इनका ये जो है धरना चल रहा है और ओवरहेड टैंक पर ये बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं। पुलिस प्रशासन भी बाहर मौजूद है, इनके साथ के जो सरपंच हैं वो भी बाहर धरना लगाकर बैठ गए हैं वाटर वर्क्स के, और मौके पर तहसीलदार हबूलाल मीणा मौके पर पहुंच चुके हैं और उपखंड अधिकारी ने भी पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। CTCO शिवरतन गोदारा मौके पर मौजूद है और बाहर नागरिकों का भी समावड़ा है। जी संजय, देखिए क्या जो इनकी 10 सूत्रीय मांग है इसको लेकर के क्या ये वीडियो को हटाने की मांग कर रहे हैं? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ पंचायत में 45 पंचायतों में ये 20 सरपंच एक तरफ है, बाकी के सरपंच एक तरफ है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरपंच यूनियन है वो भी दो धड़ों में विभाजित है। जी, दो धड़ों में विभाजित है, एक धड़ा इनको हटाने की मांग कर रहा है जबकि दूसरा धड़ा उनके वीडियो के पक्ष में खड़ा है। जी, इसी को लेकर ये लंबे समय से आंदोलन चल रहा है लगातार 40 दिनों से। जी, और उसी की परिणति से ये जो 4-5 लोग ऊपर चढ़े हैं 17 घंटे से चढ़े हैं, पुलिस लगातार इनसे समझाइश का प्रयास कर रही है परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। रात तकरीबन 9:30 के बजे विधायक राम प्रताप कासनिया भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी इनसे समझाइश की और उन्होंने मुख्यमंत्री के निजी सहायक से भी बात कर इस मामले को मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है इस मामले में, परंतु फिलहाल अभी तक इस पर कोई ताजा अपडेट नहीं है जिससे ये नीचे उतर पाए। जी शुक्रिया संजय चौधरी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।